नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। बॉलीवुड सितारा किरण खेर ने चंडीगढ़ में लहरा दिया अपना परचम। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा किरण खेर की पहचान से शायद ही कोई अनजान होगा। हाल ही में किरण खेर ने चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव में अपनी जीत बरकरार रखी है। किरण ने कांग्रेस के पवन बंसल को दोबारा लोकसभा चुनाव में हराया है। इस चुनाव में किरण ने 46,970 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। किरण अभिनय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन की खिलाड़ी भी रह चुकी है। जी हाँ, शायद ही किरण खेर के बारे में आपको ये बात मालूम हो कि उन्होंने बैडमिंटन राष्ट्रीय स्तर पर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण के साथ भी खेला है। इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी वे हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। खास तौर पर अपनी साड़ियों की पसंद को लेकर वे काफ़ी तारीफें बटोरती हैं। मूलांक में विश्वास के चलते बदल दिया अपना नाम। किरण का मूलांक में दृढ़ विश्वास है और 2003 में उन्होंने मूलांक के आधार पर ही अपना नाम किरण से किरण में बदल दिया। उन्होंने अपना पहला नाम छोड़ दिया और लोग उन्हें किरण खेर के नाम से जानने लगे। किरण खाने की शौकीन है। वे समोसा और सभी पंजाबी फूड से अत्यधिक प्यार करती हैं। किरण की लव स्टोरी की बात करें तो वहां भी किरण की कहानी किसी फिल्मी पर्दे से कम नहीं रही। किरण की पहली शादी मुंबई के उद्योगपति गौतम बेरी के साथ हुई थी, लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। जिस साल किरण का गौतम से तलाक हुआ उसी साल यानी 1985 में किरण ने फिल्म अभिनेता अनुपम खैर से शादी कर ली। पहले पति से किरण को एक बेटा है जिसका नाम सिकंदर खैर है। किरण और अनुपम एक दूसरे को अपने यूनिवर्सिटी के दिनों से जानते थे, लेकिन उनके बीच उस समय प्यार जैसी कोई बात नहीं थी। 1980 के दौरान किरण और अनुपम दोबारा टकराए, लेकिन अब ये मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल गई। उस समय दोनों ही अपने फिल्मी करियर को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान किरण और अनुपम दोनों ही शादीशुदा थे। किरण से शादी करने के लिए मानो अनुपम ने अपने पहले ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। साल 1985 में फिल्म सारांश के जरिए पहला ब्रेक मिलते ही उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और किरण भी अपने पति से अलग हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। किरण के राजनीतिक जीवन की बात करें तो 2009 में किरण ने भाजपा से हाथ मिला लिया था और उन्होंने देश भर में पार्टी के प्रचार किया और 2014 में पार्टी ने किरण पर भरोसा जताते हुए चंडीगढ़ से टिकट दिया। किरण पार्टी के इस विश्वास पर खरी उतरी और उन्होंने वहां से कांग्रेस पार्टी के पवन बंसल को भारी मतों से मात दी और संसद भवन में पहुंच गई। वहीं 2019 में हुए लोकसभा में भी किरण ने पवन बंसल को हराकर अपनी जीत दर्ज की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।